बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं दिलकश निगार आपको अपने चैनल दिलकश ब्यूटी में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे। चेहरे पर मौजूद गैर जरूरी बाल स्किन की शफाफियत को खत्म कर देते हैं और चेहरा बहुत बुरा लगता है, इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसके सिर्फ 2 बार लगाने से ही गैर जरूरी बाल जड़ से खत्म हो जाएंगे। बस फटकड़ी में ये चीज मिलाकर लगा लें, रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा, आजमाकर देख लीजिएगा। इससे पहले कि मैं आपको इस बेस्ट हेयर रिमूवल होम रेमेडी के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। इस रेमेडी को बनाने का तरीका यह है कि आप शीशे प्लास्टिक की एक साफ प्याली लें और इसमें 1 चम्मच गंदुम का आटा ऐड करें। घर में जो आटा मौजूद होता है रोटी बनाने के लिए वही ले लें। ये चेहरे पर मौजूद गैर जरूरी बालों और रुएं को जड़ से खत्म करता है। फिर आप इसमें 1/2 छोटा चम्मच फटकरी का पाउडर ऐड करें, यह गैर जरूरी बालों को बढ़ने से रोकती है। फटकरी को लेकर ग्राइंड करके यूज करें। अब इसमें 1/2 चम्मच मैदा डाल दें। मैदा गैर जरूरी बालों की जड़ों को कमजोर करके उनकी अफजाइश को खत्म करता है। अब आप इसमें डालें 1.5 चम्मच रोज वाटर यानी अरके गुलाब। अरके गुलाब स्किन को साफ शफाफ बनाएगा। आपने इसमें इतना अरके गुलाब डालना है कि ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए और ये फटकरी से बनी बेस्ट हेयर रिमूविंग क्रीम अब तैयार है। इसको यूज करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने करना यह है कि ये पेस्ट आप अपने चेहरे पर जहां भी गैर जरूरी बाल मौजूद हो वहां लगाएं और 20 मिनट के बाद इसको हल्के हाथों से रगड़कर उतार दें। 20 मिनट तक ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा, फिर इसको रिमूव करें। इस तरह से लेप कर लें अपनी स्किन पर, हाथों पर भी इसको यूज कर सकते हैं। जब ये ड्राई हो जाए तो रगड़ कर उतार दें और स्किन सादा पानी से वॉश कर लें। आपकी स्किन एक ही बार के इस्तेमाल से गैर जरूरी बालों से काफी हद तक पाक हो जाएगी और इस रेमेडी को आपने हफ्ते में 2 बार लाजमी यूज करना है। कुछ बार के इस्तेमाल से ही आपकी जान गैर जरूरी बालों से हमेशा के लिए छूट जाएगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स, जानने वालों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।